नमस्कार विद्यार्थियों, आज मैं आपको प्रतिभाशाली बालक के पार्ट फोर्थ की चर्चा कर रही हूँ। आपने पिछले वीडियो में देखा था कि प्रतिभाशाली बालक के सामने क्या क्या समस्याएं आती है। मैंने बताया था उनको घर के वातावरण में, समाज के वातावरण में, विद्यालयी वातावरण में, सामूहिक वातावरण में समायोजन की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा प्रतिभाशाली जो बालक है उनके सामने कई मनोवैज्ञानिक समस्याएं होती है। क्यों? क्योंकि चाहे माता पिता हो, चाहे अध्यापक हो, चाहे सहपाठी हो, कोई भी उसकी जरूरतों को नहीं समझ पाता है, जिसके कारण उसमें हीन भावना का विकास हो जाता है। गलत मार्ग निर्देशन और मार्गदर्शन के कारण जो है प्रतिभाशाली बालक अपराधी बन जाता है और समाज के लिए घातक साबित होते हैं। तो हमारी शिक्षा व्यवस्था में ऐसी क्या चीजें समाहित होनी चाहिए ताकि प्रतिभाशाली बालक अपनी योग्यताओं व क्षमताओं का और अच्छे से विकास कर सके। इसके लिए कई शिक्षा व्यवस्थाएं आई, कई विद्वानों ने अपने विचार दिए, उनके आधार पर मैं यहाँ आकर आपको प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा व्यवस्था के बारे में चर्चा कर रही हूँ। इसमें भी आपसे क्वेश्चन पुटअप हो सकता है, तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए। देखो विद्यार्थियों, प्रतिभाशाली बालक हो, चाहे सामान्य बालक हो, चाहे पिछड़ा बालक हो, सभी को एक जैसे कक्षा वातावरण में पढ़ाया जाता है। ये आप सब जानते हो, एक टीचर जब कक्षा वातावरण में विद्यार्थियों को पढ़ा रहा होता है तो हर प्रकार के विद्यार्थी को पढ़ाता है, लेकिन यहाँ पर प्रतिभाशाली बालकों की प्रतिभा छुप जाती है। तो इन प्रतिभाशाली बालकों की प्रतिभा को निखारने के लिए कक्षा वातावरण में या शैक्षिक वातावरण में ही कौन कौन सी परिस्थितियों को समाहित किया जाना चाहिए ताकि प्रतिभाशाली बालक जो है सामान्य बालकों के साथ पढ़ते हुए भी अपनी प्रतिभा को ज्यादा बढ़ा सके और इस समाज के लिए एक बहुत बड़ी देन बन सके। इसके लिए हम ये वीडियो देख रहे हैं विद्यार्थियों। आप सब जानते हो कि बालक जो है उसको अधिगम का एक उचित वातावरण मिलना चाहिए और उचित वातावरण मिलने के लिए उसके लिए एक विशेष प्रावधान भी किए जाने चाहिए। तो उन प्रावधानों की चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। देखो, गैगलर साहब ने 1981 में ये कहा कि प्रतिभाशाली बालकों हो चाहे पिछड़ा बालक हो, हर प्रकार के लिए विशेष प्रकार की शिक्षा व्यवस्था का प्रावधान किया जाना चाहिए। क्यों किया जाना चाहिए? क्योंकि अनुशासनात्मक ज्ञान में अगर उसको श्रेष्ठ होना है और ह्यूरिस्टिक कौशल का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग प्रतिभाशाली बालक ही कर सकता है। तो इन दो शैक्षिक उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए प्रतिभाशाली बालक की शिक्षा योजना की व्यवस्था की गई है। देखो विद्यार्थियों, सबसे पहला, अगर हमें प्रतिभाशाली बालक की प्रतिभा को पहचानना है तो सबसे पहले हम उसके अधिगम वातावरण में क्या करना पड़ेगा, हमें परिवर्तन करना पड़ेगा। तो क्या परिवर्तन करना पड़ेगा? सबसे पहले लोचशील विकास, समूह की व्यवस्था और विशेष पाठ्यक्रम, इन तीन बिंदुओं पर हम फोकस करेंगे। सबसे पहला है लोचशीलता। आपको ध्यान है कि हर बच्चे का एडमिशन 5 वर्ष पूरा होने के बाद फर्स्ट क्लास में एडमिशन होता है। तो फर्स्ट क्लास में एडमिशन के बाद अगर विद्यार्थी की क्षमताएं या प्रतिभा अच्छी है तो आप फर्स्ट क्लास से उसको डायरेक्ट थर्ड क्लास में डालने की व्यवस्था होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो बच्चा फर्स्ट क्लास के लेवल का नहीं है, वो थर्ड क्लास के लेवल को भी हैंडल कर सकता है। तो लोचशीलता का होना जरूरी है। तो स्कूलों में जल्दी दाखिला दिया जाना चाहिए ऐसे विद्यार्थियों को, कक्षा में उछाल करवा देना चाहिए, फर्स्ट क्लास से उसको डायरेक्ट थर्ड क्लास में दाखिला दिया जाना चाहिए ताकि वो और आगे बढ़ सके। उसके बाद है 2 स्तर का दोहरा नामांकन। मतलब ये है कि मान लो विद्यार्थी पढ़ रहा है तो उस कक्षा वातावरण में तो पढ़ ही रहा है, लेकिन अगर उसकी रुचि किसी क्षेत्र में है तो उस कक्षा वातावरण के साथ साथ उसके दूसरे स्तर में भी उसका नामांकन करवाया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसमें उस चीज की प्रतिभा है, उसकी बुद्धि तीक्ष्ण है, वो जल्दी सीखों को ऑब्जर्व कर लेता है, सीख लेता है। तो इसके लिए उसकी प्रतिभा का
विस्तार करने के लिए, उसकी रुचियों का विस्तार करने के लिए उसमें दो स्तर का दोहरा नामांकन किया जाना चाहिए। इसके अलावा ग्रेडिंग में दूरदर्शिता होना जरूरी है। ग्रेडिंग में दूरदर्शिता का मतलब है कि जो ग्रेडिंग दी जा रही है उसमें विद्यालय विषयों के अलावा जो आपकी सह पाठ्यगामी क्रियाएं हैं उनमें भी ग्रेडिंग दी जानी चाहिए, ताकि प्रतिभाशाली बालक को अपनी प्रतिभा का आकलन कर सके। क्योंकि अगर अदर एक्टिविटीज में भी ग्रेडिंग दी जाएगी तो बालक अपनी प्रतिभा को पहचान पाएगा। तो आपको मैंने बताया कि जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है उसमें इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि स्कूलों में इन बच्चों को, प्रतिभाशाली बालकों को स्कूलों में जल्दी दाखिला दे दिया जाए, कक्षा में इनको उछाल करवा दिया जाए, दो स्तर में दोहरे नामांकन की व्यवस्था हो, ग्रेडिंग में क्या हो, दूरदर्शिता का वातावरण हो। इसके बाद है समूह की व्यवस्था। आपको पता है, हम आप लोगों ने भी देखा होगा कि स्कूलों में आपने देखा होगा जो संगीत में विद्यार्थी रुचि लेते हैं उनका अलग से समूह होता है, जो चित्रकला में रुचि लेते हैं उनका अलग से समूह होता है, जो क्रिकेट में रुचि लेते हैं उनका अलग से समूह बना दिया जाता है, ताकि विशिष्ट प्रकार के जो विद्यार्थी जिनकी विशिष्ट क्षेत्र में रुचि है वो अपनी प्रतिभा को आगे बढ़ा सके। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि हर प्रकार की कक्षा वाले विद्यार्थी जो एक ही तरह के हैं, जिनकी चित्रकला में रुचि है उनको चित्रकला में डाला जाए, जिनकी संगीत कला में रुचि है उसको संगीत कला में डाला जाए, जिसका खेलकूद में इंटरेस्ट है उसको खेलकूद में डाला जाए। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि सजातीय समूह जो एक ही प्रकार की चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, चीजों को सीखना चाहते हैं, उनके स्कूलों में ग्रुप बनाए जाने चाहिए। विविध आयु समूहीकरण, ये नहीं है कि एक ही आयु के विद्यार्थियों को उसमें लिया जाए। चित्रकला में कई बार जो है 5 साल का बच्चा भी इतना अच्छा चित्र बना लेता है जो 10 साल का विद्यार्थी भी नहीं बना पाता है। तो विभिन्न आयु समूह के विद्यार्थियों के भी समूह बनाए जाने चाहिए। इसके अलावा विषय समूहीकरण, मान लो कोई बच्चा फिजिक्स में अच्छा है, कोई केमिस्ट्री में अच्छा है, तो उन सब का भी एक समूह बनाया जाना चाहिए और उनकी एक परीक्षा ली जानी चाहिए। और आप जानते भी हैं, नेशनल लेवल समझ लो चाहे इंटरनेशनल समझ लो चाहे स्टेट लेवल समझ लो, इस तरह के एग्जाम्स कंडक्ट करवाए जाते हैं ताकि उनकी प्रतिभा को पहचान मिल सके और वो विशिष्ट बालक जो कि प्रतिभाशाली है वो आगे बढ़ सके, अनुसंधान कर सके, इंटरनेशनल लेवल तक जा सके। इसके लिए क्या किया जाता है, विषयों का समूहीकरण बनाया जाना चाहिए। इसके अलावा क्लस्टर ग्रुप भी बनाए जाने चाहिए। यहाँ पर क्लस्टर ग्रुप का मतलब है 4 से 10 बच्चों का एक ऐसा समूह जिसमें समूह के नेता को शैक्षिक उपलब्धि प्राप्त करता हो। मतलब एक एक ग्रुप ऐसे बनाए जाने चाहिए 4 से 10 बच्चों का, उसका एक लीडर बनाया जाना चाहिए और उस लीडर को सारी जिम्मेदारियां सौंपनी चाहिए, ताकि प्रतिभाशाली बालक में उत्तरदायित्व की भावना का भी क्या हो जाएगा, विकास हो जाएगा। तो यहाँ पर अंशकालीन स्थानापन, अंशकालीन स्थानापन का मतलब है कि कक्षा के वातावरण में जो प्रतिभाशाली बालक है उनके लिए विशिष्ट कक्षाओं की भी व्यवस्था की जानी चाहिए। तो ये आपने देखा, लोचशील विकास होना चाहिए अधिगम को सीखने के लिए, समूह की व्यवस्था होनी चाहिए और उनको इस प्रकार के विशेष पाठ्यक्रमों को लेने की भी सुविधा होनी चाहिए कि वो ऑनर्स कोर्स ले सकते हैं, ऑनर्स सब्जेक्ट ले सकते हैं, एड प्लेसमेंट कर सकते हैं, स्थानापन कोर्स कर सकते हैं और विशेष विद्यालय कोर्स भी कर सकते हैं साथ में। विद्यालय कोर्स अलग से कुछ सीखना चाहते हैं, अलग से विद्यालय में कोई कोर्स की व्यवस्था भी विद्यालय में होनी चाहिए, ताकि प्रतिभाशाली बालक का अगर किसी अदर एक्टिविटीज में भी इंटरेस्ट है तो वो उसको अपने आप की प्रतिभा को डेवलप कर सके। ठीक है विद्यार्थियों, तो विशेष पाठ्यक्रम की व्यवस्था होनी चाहिए, समूह की व्यवस्था होनी चाहिए और अधिगम वातावरण इस प्रकार का होना चाहिए कि उसमें लोचशीलता होनी चाहिए। ऐसी हमारी शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। उसके बाद आता है विषय वस्तु में परिवर्तन। विषय वस्तु में जब टीचर क्लास में पढ़ा रहा होता है उसकी जो विषय वस्तु है उसमें ऐसा किस प्रकार का परिवर्तन किया जाए
ताकि प्रतिभाशाली बालक भी उस कक्षा वातावरण में अनेक नवीन अनुसंधानों को, अनेक नवीन चीजों को ऑब्जर्व कर सके, सीख सके। तो इसके लिए विषय वस्तु में गतिशीलता, विषय वस्तु में गतिशील का मतलब यहाँ पर यह है कि विषय वस्तु में क्या होनी चाहिए, विषय वस्तु में जटिलता से सरलता या सरलता से जटिलता की ओर चीजों को समझाया जाना चाहिए। टीचर के द्वारा पहले जटिल तरीके से समझाया जाना चाहिए, फिर धीरे 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 करके सरल तरीके से उन चीजों को समझाया जाना चाहिए, ताकि विद्यार्थी जो प्रतिभाशाली बालक है वो जटिल तरीके से सीख जाएगा, औसत बालक निम्नतर स्तर पर आकर के उन चीजों को ऑब्जर्व कर पाएगा। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि जटिल निर्देशों व सिद्धांतों को तेज गति से अध्ययन की आज्ञा देते हैं। निम्न कक्षा स्तर पर टिम्नोमेट्री द्वारा अध्ययन और उच्च स्तर पर भौतिकी के अध्ययन की क्या की जाती है, स्थापना की जाती है। उसके बाद आता है संवर्धित पाठ्यक्रम, संवर्धित विषय वस्तु होनी चाहिए। विषय वस्तु कैसी होनी चाहिए, संवर्धित होनी चाहिए। संवर्धित का मतलब यहाँ पर यह है कि बच्चे का अगर उचित विकास करना है तो उसको मॉडल, चित्र, प्रदर्शनी आदि अनेक चित्रों के द्वारा उसके ज्ञान को बढ़ाए जाने की कोशिश की जानी चाहिए। अपनी शिक्षा व्यवस्था में, अपनी शिक्षा योजना में, अपनी पाठ योजना में शिक्षक को एक ऐसा वातावरण बनाया जाना चाहिए ताकि प्रतिभाशाली बालक अपनी प्रतिभा को और ज्यादा आगे बढ़ा सके। विषय वस्तु कैसी होनी चाहिए, विस्तृत होनी चाहिए, और विषय वस्तु में क्या होनी चाहिए, नवीनता होनी चाहिए, ताकि बहुविध रुचियों वाले जो विद्यार्थी हैं उनकी रुचियों को संतुष्ट किया जा सके। तो आपने देखा विषय वस्तु में परिवर्तन में विषय वस्तु में गतिशीलता होनी चाहिए, विषय वस्तु संवर्धित होनी चाहिए, विषय वस्तु विस्तृत होनी चाहिए और विषय वस्तु में नवीनता होनी चाहिए, ताकि विविध रुचियों वाले बालक भी जो है उस विषय वस्तु से संतुष्ट हो सके। उसके बाद आता है मानसिक या बौद्धिक युक्तियां। प्रतिभाशाली बालक की प्रतिभा को पहचानने, उसकी तीक्ष्ण बुद्धि को समझने, उसकी रुचियों की पहचान करने, उसकी मौलिकता और तर्क चिंतन करने की कैपेसिटी को आगे बढ़ाने के लिए कई प्रकार की मानसिक और बौद्धिक युक्तियां की जानी चाहिए। उसमें दो युक्तियां सबसे इंपॉर्टेंट है, एक है समस्या समाधान तकनीक और दूसरी है आपकी मानसिक उद्वेलन तकनीक। समस्या समाधान तकनीक का मतलब है कि प्रतिभाशाली बालक को एक विशिष्ट प्रकार की समस्या दी जानी चाहिए ताकि उस समस्या का वो समाधान कर सके। समाधान करेगा, खोज करेगा, अनुसंधान करेगा, तो धीरे 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 अनुसंधान करने की क्षमता उसकी बढ़ती जाएगी और वो अपनी क्षमताओं को पहचान पाएगा, अपनी रुचियों का ज्यादा से ज्यादा क्या कर पाएगा, विकास कर पाएगा। उसके बाद है मानसिक उद्वेलन। मानसिक उद्वेलन तकनीक क्या है कि समूह में रह करके हर विद्यार्थी अपने विचारों का क्या कर सके, बोल सके, क्योंकि आपको पता है प्रतिभाशाली बालक तो नेता होता है, उसे भाषण देना अच्छा लगता है, उसे व्याख्यान देना अच्छा लगता है, तो मानसिक उद्वेलन तकनीक में उसे किसी टॉपिक पर, विषय वस्तु पर बोलने के लिए कहा जाता है और उस विषय वस्तु पर बोलने के लिए उसे किसी भी प्रकार की कोई बंदिश नहीं लगाई जाती, ताकि प्रतिभाशाली बालक अच्छा अधिगम अनुभव कर सके, उचित अवसर प्रदान किया जा सके, उसे अपनी प्रतिभा को पहचान पाए। और नई शिक्षा नीति जो आई है उसने भी यही सुझाव दिया है कि प्रतिभाशाली बालक की प्रतिभा को आगे बढ़ाने के लिए उसे अवसर मिलने चाहिए, ऐसी हमारी शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। तो कुछ शैक्षिक सुझाव मैंने यहाँ पर प्रस्तुत किए हैं। पहला, अधिगम वातावरण में परिवर्तन किया जाना चाहिए। दूसरा, विषय वस्तु में परिवर्तन किया जाना चाहिए और कुछ मानसिक या बौद्धिक युक्तियों को अपनाया जाना चाहिए ताकि हम प्रतिभाशाली बालक की जो प्रतिभा है उसको निखार सके, उसे गलत रास्ते पर जाने से रोक सके, उसे अपराधी बनने से रोक सके। इसके लिए हमने प्रतिभाशाली बालक की शिक्षा व्यवस्था की है, ताकि उसे सामान्य कक्षा के साथ विशिष्ट कक्षाओं की व्यवस्था की जानी चाहिए। उसे अगर बच्चा थर्ड लेवल का है, फर्स्ट क्लास में है, तो उसकी कक्षा में उछाल किया जाना चाहिए। उसे
जो सामान्य बालक जो विषय पढ़ रहे हैं उसके अलावा अनेक दूसरे सब्जेक्ट लेने की भी उसको अनुमति होनी चाहिए। ऐसी शिक्षा योजना हमें बनाई जानी चाहिए ताकि प्रतिभाशाली बालक अपनी प्रतिभा को पहचान सके। तो हमने प्रतिभाशाली बालक के सभी टॉपिक्स को क्लियर कर लिया है। आगे भी हम इसके आगे की क्लासों में हम प्रतिभाशाली बालकों के अलावा अन्य बालकों के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए आप मेरे नव भारती स्टडी सर्कल चैनल से जुड़े रहिए ताकि आगे के अपडेट्स आपको लगातार मिलते रहे। विद्यार्थियों, धन्यवाद।